अरेंज मैरिज थी? हमारी अरेंज मैरिज थी और हम दोनों ने खुद ही अरेंज की अपनी मैरिज, तो लव मैरिज कह सकते हैं। ओके, लव मैरिज थी। अच्छा, तो डू यू वैसे बिलीव इन अरेंज मैरिजेस? ऐसी सोच रखते हैं कि मेरे बच्चे अगर आगे जाके शादी करेंगे तो अपनी मर्जी से शादी करेंगे? आई डोंट, यू कैन नॉट कॉन्फाइन यू नो दिस रिलेशनशिप, नो दिस रिलेशनशिप यू नो इन इन सर्टेन क्राइटेरिया कि जी यही होना चाहिए, यही दुरुस्त है, यही होना चाहिए, नहीं। इस मामले में जिसकी जो पसंद है उसकी पसंद पे माँ बाप को राज़ी होना चाहिए था। बेसिक आपको समझा देनी चाहिए बात, फिर उसके बाद जो जिसको ज़िंदगी गुजारनी उसको फैसला करने का मौका देना चाहिए। कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने पूरे करियर में? कभी कोई ऐसा मौका आया कि नहीं फंस गया हूँ? जो मेरे पास इख्तियार थे उससे हमने अच्छा करने की कोशिश की। फॉर इंस्टेंस कि भाई मेरे पास इख्तियार था 2005 से 2010 तक कि मैं चोरी करता, मैं पैसे बनाता, मैं करप्शन करता, मैं आपने नहीं की? मैंने नहीं की वो सारी फायदा नहीं उठाया ये सोच के कि जी 5 साल बाद मेरा टेन्योर खत्म हो जाएगा। तो यू नो जो आजकल exactly. जो अभी हम सुनते भी हैं कि खाते हैं तो खिलाया भी तो है। देखिए, मैंने अपने टेन्योर में 300 अरब रुपए खर्च किए हैं अपने हाथों, 30,000 करोड़ रुपए। मुझे छोड़े हुए 9 साल हो गए, मेरे मुखालफिन आज वहाँ पर हैं, मुझ पर कोई 3 रुपए भी चोरी करने, हराम कमाने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, लगाएगा तो साबित नहीं कर, 3 रुपए लगाएगा तो साबित नहीं कर सकता। मैंने अपनी पावर से कोई पेट्रोल पम्प नहीं बनाया, कोई ज़मीन नहीं ली, कोई शादी हॉल नहीं बनाए। मेरे पूरे शहर भर में हर टाउन में शादी हॉल होने चाहिए, मेरे पेट्रोल होने चाहिए, और मैं शरीफ भी कहलाऊँ। और मेरा एक मैं जब अपने बच्चों को लेकर 2013 में गया हूँ, तो मुझे मैं MP रह चुका था, उससे पहले मैं वज़ीर रह चुका था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, मैं मेयर रह चुका था, और मैं सेनेटर खुद उस वक्त था, उस वक्त उस दौर में मैं खुद सेनेटर था पाकिस्तान का, और मैं 9 to 5 कहीं नौकरी कर रहा था अपने बच्चों के पेट को पालने के लिए। ये मेरी पावर है, ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मुझे आंखों में आंखें डाल के बात करने से पहले सोचना नहीं पड़ता कि यार मैंने भी 4 चोरी कर रखी है तो मुझे भी लोग जो है वो ये वाला। दुबई में भी आपने नौकरी की राइट, और वो कराची से रिलेटेड थी, तो कभी डर लगा कि जी पहले इतने फड्डे डल गए हैं वहाँ पे, आ गया हूँ पर फिर से कराची का काम शुरू कर रहा हूँ? नहीं, तो सेटलमेंट की मैं आया नहीं, मैं आया नहीं कराची 3 सालों में। मैं 3 सालों तो मैं तो जब छोड़ कर गया हूँ, तो जब मैं आया हूँ, जब नज़र आया हूँ तो जब ही कराची आया, उससे पहले मैं पहले कराची कभी भी नहीं आया। अच्छा अच्छा, ओके, सही है। फिर आप कुछ खाना वाना ऑर्डर कीजिए, बिल्कुल आप कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारी एगो में बातें होंगी। देखने का शौक है आपको वैसे? मूवीज, म्यूजिक सुनने का शौक है? टाइम नहीं मिलता अब, जो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता नहीं है। कभी सिनेमा गए हैं? कभी ट्रैवल कर रहे होते? हाँ, तो ट्रैवल कर, जहाज में सारी फिल्में देखी है मैंने ज्यादा। अच्छा, की फिल्में ज्यादातर जो है वो ट्रैवलिंग में। लास्ट फिल्म याद है कौन सी देखी थी? विल स्मिथ की थी फिल्म। ओके, विल स्मिथ की थी फिल्म एक, और मुझे मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, तो मैंने अभी देखी है, लास्ट मंथ देखी है। आपकी चाय वैसे जब हमने कैमरा कट किया था तब खास कड़क तेज पत्ती वाली चाय मंगवाई थी, तो वैसे ही आई है। चले आप अपनी चाय एंजॉय करें। चाय तो हमने पी ली, अब हम कहाँ जा रहे हैं? कारकुनों का एक जो है वो एक मीटिंग है जो कि ऑलरेडी स्केड्यूल थी बहुत पहले से, आज के दिन इस वक्त, तो चूँकि आप लोग हैं साथ तो मैंने कहा आपको आप भी इसको देखें, और मेरी वहाँ पे मसरूफियात हैं। अच्छा, आप पहले भी कॉर्नर मीटिंग्स बहुत सारी रखते रहे हैं और अब भी आप जारी रखते हैं, तो क्या फ़ायदा होता है इससे? देखें, एक तो अभी तो जो सारा सिलसिला है, हम लोग वेरी फोकस, हम लोग आजकल बड़ा फोकस्ड हैं। 21 जुलाई को हमारा जलसा है, बहुत बड़ा होने जा रहा है, बाग़े जिनाम है जो कि कराची का सबसे बड़ा पार्क है, ग्राउंड है, और वो है कायदे आज़म के मज़ार के सामने। तो उसके उस सिलसिले में सारी तैयारियों का सिलसिला चल रहा है। okay. जो हम छोटी कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं वहाँ पे छोटे छोटे जहाँ मीडिया नहीं होता, जहाँ पर कैमरे नहीं होते, हम एक इंटरेक्टिव सेशन करते हैं, लोगों को अपनी बात बताते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, उसमें समझाने में लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होती है। आई हैव अ रैपिड फायर राउंड विद यू जो मैं आपके साथ खेलूँगी, जिसमें आपने मुझे जल्दी जल्दी जवाब देने हैं, विच इज़ फन एंड गेम्स, नॉट सो सीरियस। ओके, शदीद गर्मी है, लाइट भी नहीं है, इनमें से किसको हाथ वाला पंखा देंगे? बिलावल भुट्टो, मरियम सफदर या फारूक सत्तार? मरियम सफदर को देंगे। ओके, अगर मुस्तफ़ा कमाल को एक दिन के लिए सुपर पावर मिल जाए तो इनमें से कौन सी ताकत चाहेंगे? दिल का हाल पढ़ लेना, गायब हो जाना या हवा में उड़ना? सुपर पावर मिल जाए
ओके, किस अदाकारा को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहेंगे अगर करना पड़े इन तीनों में से, तो माहिरा खान, महविश हयात या नीलम मुनीर? तीनों को ही कर लेंगे मेरे ख्याल से पार्टी, तीनों को ही कर लेंगे। ओके, इनमें से किसका हेयर स्टाइल बदलना चाहेंगे, सईद गानी, शेख रशीद या वसीम अख्तर? इनकी हेयर स्टाइल बदलने से भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं मेरे ख्याल है कि वो क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके फेवरेट टीवी एंकर मेल कौन है? कामरान खान। फेवरेट पॉलिटिशियन पाकिस्तान में? जी मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ आपके अलावा। चले आपसे अगर ये पूछा जाए कि आपकी टक्कर का पॉलिटिशियन आपको क्या लगता है कौन है? नहीं चले, मैं अगर आप वैसे पूछें कमर जमान कायरा जो है वो आई लाइक हिम एक्चुअली। ओके, किसी को अपना कॉम्पिटिशन कंसिडर करते हैं? Here in Pakistan, not really to be very honest. हमारे मैं जिस सर्कमस्टांसिस में जिस गिवन सिनेरियो में मैं काम कर रहा हूँ, जो हमने काम किया है कि यहाँ पर सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी, अल्लाह का शुक्र है हम उससे उसको ओवरकम कर चुके हैं। यहाँ पर आज जो है वो माहौल नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं, तो हमसे अल्लाह ताला ने जो काम करा लिया है वो लोग ख्वाबों में भी वो काम नहीं सोच सकते। मौत से डर लगता नहीं? लगता बिल्कुल भी नहीं। इस गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो इस गवर्नमेंट में सबसे इररिलेवेंट बंदा आपको कौन लगता है? नॉट वन। भाई जो मिनिस्टर हजरात हैं जो बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं और बयान देने के बाद गायब हो जाते हैं, फिर जो वज़ीर आज़म साहब ये जो बात करते हैं कि वो रियासत मदीना बनाएंगे, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिक्वेस्ट की है कि दो सालों तक एक तो जो है वो इस गवर्नमेंट को सिर्फ काम करना चाहिए, अपने वज़ीर आज़म को, वज़ीरों को, गवर्नर को, MP, MNS को कहें कि बस सिर्फ लोगों के साथ खड़े हो जाएं उनके दुख में, और दो सालों तक कुछ ना मांगें उनसे, सिर्फ ये एहसास दिलवाएं पाकिस्तानियों को कि वो उनकी केयर करने वाले लोग हैं, वो उनके दुख दर्द में खड़े होने वाले लोग हैं। ये अगर फील आ गई एक दफ़ा पाकिस्तानियों में, फिर उसके बाद आप उनसे टैक्स क्या उनकी जान भी मांगेंगे, पाकिस्तानी आपको अपने लिए आपके लिए जान देगा। लेकिन अगर आपने किया कुछ नहीं है, बातें बहुत सारी कर ली हैं और आते ही जो है वो आप लोगों की ज़िंदगी जीना मुश्किल कर दें कि जो घर 10,000 रुपये में चल रहा था आज आपकी महंगाई की वजह से 36,000 रुपये में चलता है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? अगर एक आम बंदा आपसे पूछे, ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं हो रही, अक्सर जब हम अपने दोस्तों में बैठते हैं तो कहते हैं कि जी अब अक्सर सुनने में आता है कि गरीब अपने आप को मार देगा, अब ये होगा, अब वो होगा, आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन सारे जो स्टेप्स लिए गए हैं इनके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? सबसे बुरा तो ये होगा कि रियासत और रियासती इदारों पे से आवाम का एतमाद उठ जाएगा, चेंज की बात करने वालों के ऊपर से उम्मीद हट जाएगी। ये इतनी बड़ी ख़तरनाक बात है, इतनी ख़तरनाक बात है। इसके बाद लोग जैसे कहते हैं ना कि फ्री फॉर ऑल होगा सारा ये, फिर आप लोगों को किसी भी सही बात, जायज़ बात पर आप एक जगह कर नहीं पाएंगे, और फिर डेफिनेटली उसकी फिर जो छोटे असरात हैं वो आपके यहाँ क्राइम बढ़ेगा, आपके यहाँ लोगों की जो है वो अपने पेट की खातिर लोग जो है बहुत सारे ऐसे काम करेंगे जो शायद वो नहीं करते अगर उनके पास जो है वो मौके होते। सिर्फ येस और नो में पूछूँ कि जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनको अक्सर लोग रिजिड स्टेप्स कहते हैं या कुछ यू नो बहुत जल्दी के स्टेप्स कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं बड़ी देर कर दी है स्टेप लेने में, ये स्टेप्स सही हैं या नहीं आपके हिसाब से, यस और नो? नहीं, प्रायोरिटी जो है वो ये नो, प्रायोरिटी जो है वो इसलिए कि देखिए मैं जो समझता हूँ इस गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो उसको अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रही कि एक एक लिस्ट में फ़र्ज़ करें 10 काम लिखे हुए, उस 10 काम में पहले नंबर पे काम क्या करना है, दूसरे पे क्या करना है, 10वें पे क्या करना है। मुझे लगता है ये कि इस गवर्नमेंट ने जो काम सबसे आखिर में करना था वो सबसे पहले शुरू कर दिया है, और जो सबसे पहले कर जो जो पहले करने के काम थे उस पर अभी तक उसने काम ही नहीं शुरू। Thank you.
जनाब हम लोग हैदरी के इलाके में नॉर्थ नाजमाबाद टाउन ऑफिस में मौजूद हैं, जहाँ पर किसी एक ज़माने में जो है वो MQM का बड़ा होल्ड हुआ करता था और यहाँ पर PSP के जो है वो कारकुनान जमा हैं और यहाँ तकरीरें हो रही हैं। मैंने तकरीर सुनी, बट यहाँ आने का मकसद क्या था? तैयारी कर रहे हैं 21 जुलाई के जलसे की तैयारी कर रहे हैं, और इसी तरह मैं रोज़ाना किसी न किसी टाउन में एक स्केड्यूल होता है जहाँ पर कारकुनों से जाकर रोज़ाना उनकी तैयारी का पूछते हैं कि हाँ भाई जो टारगेट दिया हुआ था तो अब कहाँ तक पहुँची बात और आगे कहाँ तक पहुँची, और इसी तरह से हर दिन ये चीज़ें मॉनिटर। कल मैं बल्दिया टाउन में था गुजरे हुए, कल आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है तो कल कहीं और होंगे। इस तरह से जो है यही लोग क्या MQM का भी हिस्सा रह चुके हैं? नॉट ऑल, यहाँ पर बहुत नए कारकुन तकरीबन आई थिंक 50% लोग तो होंगे MQM का हिस्सा होंगे तकरीबन, लेकिन 50% और अराउंड 50% लोग जो है नए लोग हैं। चेंज क्या है फिर? चेंज एटीट्यूड में है, डायरेक्शन में है, अमल में चेंज है, इन तमाम चीज़ों में जो है वो चेंज है। PSP का जो ब्रेन है वो कायम खानी साहब हैं और आप फेस हैं। मैं इसको जो है वो इस ब्रेन और फेस को की सियासत में या बात में हमने कभी इस तरह से सोचा नहीं। हम मशवरा करते हैं, बात करते हैं, हम जहनों को लगाते हैं। अनीस कायम खानी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा, अनीस कायम खानी मेरे साथ वो पहले इंसान हैं जो मेरे साथ आए, उस वक्त आए जहाँ पर जब जिस वक्त सच बोलने की सबसे छोटी सज़ा जो है मौत थी। तो पहला आदमी जो मेरे साथ आया मेरी सारी बातों पे जिसने जो है वो एंडोर्समेंट की वो अनीस कायम खानी है। उसका ये रुतबा कभी कोई नहीं छीन सकता, और उनका जो तजुर्बा है पुराना पार्टी का वो अपना तजुर्बा इस्तेमाल कर रहे हैं सारी चीज़ें उसमें, अपना दिमाग भी लगा रहे हैं, अपना टाइम भी लगा रहे हैं, अपना जिस्म भी लगा रहे हैं। सिर्फ उनका दिमाग नहीं है, या फिर इस बात को आप अग्री करते हैं कि जी दिमाग उनका फेस में हूँ? हम लोग जो है वो कभी इस तरह हमने सोची नहीं ये वाली बात कि कोई फेस, कौन फेस है, कौन दिमाग है। हम सब लोग एक जिस्म के मानद हैं, हम सब लोग पूरी पार्टी के कारकुनान, जिम्मेदारान, मुझ समेत सब लोग, कोई भी एक हिस्सा जो है वो सही फंक्शनल नहीं करेगा, पूरी बॉडी जो है वो नाकारा हो जाएगी। तो हम सब लोग एक, अनीस कायम खानी, मुस्तफा कमाल, ये कारकुनान, सारे जिम्मेदारान, हम सब लोग एक जिस्म के मानद हैं। आपका जलसा होने वाला है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और आपकी जो भी सोच है मुझे उम्मीद है कि वो लोगों तक पहुँचे, और जो आपकी उम्मीदें हैं लोगों से वो भी पूरी हों और सब इकट्ठे हों और आपकी बात सुन सकें।